BK69 फाटक के आगे आपको मैं बता दूं 894 सेवा ए खंभे के पास ये डब्बा अलग हो चुका है और इसके वजह से BK69 फाटक बाधित है। और ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, और आजा, ये आप देखिए BK69 फाटक बाधित है लगभग आधा घंटा से, और इसको अपन दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप देखिए। आज सुबह सुबह का ये न्यूज है और पूरी तरह से ये फाटक बाधित है और इस प्रकार की, और जो ये लाइन अभी बना हुआ है उसी लाइन पे गाड़ी चल रही थी, क्योंकि और शायद मेरे ख्याल से वो लोड ज़्यादा होने के वजह से उसका वो जो फंसा हुआ था वो टूट गया है। और धीरे धीरे हम इधर पहुंच रहे हैं, जो कि हमारे मीत साहब भी हैं। मीत आप कुछ कहेंगे? आपका फाटा का भी बाधित है, आपको समय था कि स्कूल बंद होगा, तो आप ये सब जगह के अपन लोग होते हुए ये काफी परेशान का सबक बन जाता है जब ये फाटक बंद रहता है जी, है ना जी। तो आप इस फाटक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गाड़ी जिस तरीके से खड़ी है तो आपको क्या परेशानी हो जाएगी, अब कैसे आप उधर क्रॉस करेंगे? मेरे तो परेशानी नहीं होगी है? लेकिन दूसरे आदमियों को परेशानी जनक की बात है, है? जी। हमारे मित्र का भी लिया जाए क्योंकि आम पब्लिक काफी परेशान रहेगा, क्यों मित्र जी? फाटक बंद रहेगा जी तो परेशान तो रहेंगे लोग जी जी, बिल्कुल बाधित है ना? किसी को भाई नौकरी चाहते है तो कैसे जाएंगे? हाँ ये बात हमारे मित्र बता रहे, नौकरी चाहते कैसे जाएंगे? तो ये पुलिया पास से जगह है, पुलिया पास से भी जा सकते हैं, लेकिन वो बड़ा है ना जी। अच्छा ये अपन लोग धीरे धीरे BK69 फाटक पहुँच रहे हैं। हम रामदीन और हमारी पूरी एक छोटी सी टीम लेकर अपन लोग इसका पूरा मुआयना किए थे करीब से, अपन धीरे 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 अपन लोग पहुँचते हुए ये अपन पहुँच गए फाटक फिकरता फाटक, जो कि BK69 फाटक है। और ये अपन लोग पहुँच गए BK69 फाटक, और रामदीन के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि आप बताएं क्या टूट गया है रामदीन उधर पे? ये टूट गया है, ये हमारे रामदीन के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है, जो आगे है वो ये टूट गया है। और ये रेलवे फाटक ग्राम पिपरतारा का है, जो कि आप इधर से दिखाओ, उधर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि जब ये गाड़ी क्रॉस होगी तभी यहाँ से आदमी क्रॉस होंगे। और हमको ऐसा जानकारी दिया गया है कि ये ब्रिज का टेंडर हो गया है, तो कुछ दिन पहले अगर ये टेंडर हो तो जब ब्रिज बन जाएगी तो ऐसी समस्या नहीं आएगी, ऐसा रामदीन का कहना। अब देखते हैं आगे हम फिर कोई नई चीज़ के साथ कि कोई फिर होगा।